जयपुर में विश्वकर्मा थाना क्षेत्र के जयपुर सीकर हाईवे स्थित जोडला पावर हाउस ग्रेड के पास बुधवार सुबह सड़क किनारे खड़े फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों पर अज्ञात बदमाशों ने लाठियों से हमला कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ितों को निजी अस्पताल पहुंचाकर प्राथमिक उपचार करवाया। जानकारी के अनुसार रुद्राक्ष एसोसिएट फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी अजय पाल सिंह और सुरेश गुर्जर सड़क किनारे गाड़ी के बगल में खड़े थे। इसी दौरान चौमू की तरफ से आई गाड़ी में करीब 6 बदमाशों ने लाठियों से हमला कर दिया, साथ ही फाइनेंस कर्मचारियों की गाड़ी को भी तोड़फोड़ किया। सूचना पर विश्वकर्मा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जब तक बदमाश भाग निकले, पुलिस ने दोनों पीड़ितों को निजी अस्पताल पहुंचाया और प्राथमिक उपचार करवाया। वहीं बदमाशों की ओर से हमला करने के दौरान आसपास खड़े लोग पूरे घटनाक्रम को देखते रहे, लेकिन किसी ने बदमाशों को रोकने का प्रयास नहीं किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर गाड़ी नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जिस जगह यह घटना घटित हुई, उस जगह के आसपास में खड़े कई लोग फिल्मी स्टाइल में चल रहे पूरे घटनाक्रम को देखते रहे। मौजूद लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने छुड़ाने का प्रयास नहीं किया।